जिज्जी, तुमने सुनी आज तुम्हारे देवर सवेरे सवेरे का कह रहे थे? का कह रहे थे? तुम्हें नहीं पता? हमें कैसे मालूम हुई है वे तुमसे कह रहे थे तो? अरे जी, बता रहे थे कि बिमला भाभी कहते कोरोना निकलाओ। कौन बिमला? अरे जे आम को पेड़ है ना, पीलो वाला मकान। हाँ, पीलो मकान। हाय राम, जो को कह रही? अरे जिज्जी, हमारी तो जान निकल गई। ये भैया, हमारी तो ऐसे लग रही है हमारे पाँव से जमीन किसकी जा रही जैसे। बताओ तो जरा, मोहल्ला तक में आ गए? वो ही तो हम कह रहे कि अपने मोहल्ला में कैसे आ गए। बिमला भाभी ने तो एक दिया जलाए, थाली बजाई, कोनो कसर नहीं छोड़ी। अरे मोड़ी मोड़ा समित सड़क पे आके थाली पीट रहे थे वो ही तो। अरे जी, अपने मोहल्ला में एक और जने ऐसा नहीं हो, एक और जने थाली नहीं बजाई कि दिया नहीं जलाओ, कोनो टास्क में को कमी छोड़ी हो। एन है ले, अब हमें याद हुआ ही, अब तुमने बोली तो। कौन जिज्जी? जी अपनी मास्टरनी नहीं है जी, जो विद्या मंदिर में पढ़ाती। हाँ 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 हाँ। भी मास्टर नी। हाँ। तुम कह रही ना कि सब जन ने बजाई। हाँ। तो हमें याद हुई आई, जो दिन अपन थाली बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे छत पे ठाड़े होके। हाँ, हाँ। मास्टर नी जी के घर से एक कौ आदमी ने कच्छू नी बजाओ। का कह रही कच्छू नी? और नहीं तो का। हमारी तो ऐसे आंखन से पिक्चर सी निकल रही अब देख के। भगवान जाने भैया, ज्यादा भी बना थे। और जोन दिन अपन दिया रखी थी ना, सब जनन ने पूरे मोहल्ला ने अंधेरा कर रखो तो घर में तो? कैसे जोई कही थी प्रधानमंत्री जी ने कि बत्ती बुझा दी तो है, और खाली बिनई के घर में बत्ती मिलक रही थी ऐसे जैसे दिवाली सी जला के बैठी हूँ। भगवान, ऐसी काय पड़ी थी बिना देख लो तो। जब प्रधानमंत्री जी ने कही है तो मान नहीं है वो तो सब। सही बात है। अब बताओ कि बुला लो करुणा उन्हीं के मारे घुसे आओ मोहल्ला में। करुणा मोहल्ला में होगा। बना थे ना बड़ी ज्ञान ध्यान का कह रही थी कहना, वो तो सब कछु विज्ञान से होते, जो थाली बजावे से वो बत्ती मिलकावे वो बुझावे से कछु नहीं होत। कहियो कर लो मोहल्ला में करोना धरे रहो तुम अपनी जानकारी। अरे ऐसे ज्ञानी ध्यानियन के मारे, एक के मारे सब बर्बाद हो जाता है। को जी हाँ तो जिया सुख हो जा रहा हूँ। हमारे तो भैया हम आज सुन ली अब हमसे आज दिन भर रोटी नहीं खबने बिल्कुल। हमें तो खुदा ही चिंता हो रही, कोरोना से छुट्टी नहीं हो पा रही, जाने कौन कितने फंसो पड़ो है, का करो जाए। और नहीं तो जाने कब नो ऐसे घर में बंद बंद ही ना। अरे बेबी नहीं है हमारी भौजाई, अरे सिमरिया वाली भौजाई तो बिन को भैया नहीं है को कल्लू की वो। हाँ कल्लू। हाँ तो वो तो नासिक में जात तो फैक्ट्री में। हाँ हाँ हाँ। सब भी तो भाग फंसो पड़ो है, तब से आ ही नहीं पाओ। हाँ अब भौजाई कह रही थी एक महीना होगा ये तक परेशान है। अब भौजाई कह रही थी कि अब शुरू हो रही ट्रेन, तो कह रही थी देखो बुलाए भाई। ट्रेन की तो ना तुम कछु नहीं कहो काय कैसी हो रही है। बहुत ऐसे चलाई थी एक अबे सुनवे में आई खबर कि बम्बई से एक ट्रेन चली यूपी के लाने। हाओ का भाव मालूम तुम्हें? आहा आने हा तो बाय यूपी। हाँ। और पहुंच गई वो उड़ीसा। काय कह रहे कि डिलीवर रास्ता भूल गयो। सोचो था ना ट्रेन के डिलीवर कब से रास्ता भूल गए। सोचो ऐसा होते कहूं है वो तो हम बता रहे कि वो तो रेलवे ने भलो चाहो मजदूरन को कि देखो हम बताएं तुम्हें समझाएं तुम हो सिड़विल्ली सी तुम्हें ऐसे समझ नहीं आती बातें हम समझा रहे का भाव कि रेलवे ने सोची हुई है जी मजदूर तो हैं बेचारे देखो खाली बंबई में अगर नौकरी करें। हाँ। तो उते से गांव। हाँ। और जिन्हें भारत तो देखो नहीं है। हाँ, जय बहाने बिनो रनखो कम अज कम भारत को दर्शन तो करा दे। हाँ, जी, सोचो जी, है कि नहीं जी बात। अरे सरकार बहुत भलो सोच रही है मजूरन के लाने बहुत कर रही है बहुत ज्यादा कर रही है। अब सोचो जरा कि मिन के लाने काका नहीं ट्रेने चलवा दे। अरे बहुत कर रही बहुत ही ज्यादा कर रही सरकार। सही में तो जाने का होगा वो तो करो नहीं तो अबे तो कछु नहीं है लाख पे पहुंचो आंकड़ो एक थाम लाओ नहीं तो 50 लाख पे पहुंच जाते तो का कर लेते। सही बात वो तो जो समझो तो कि बहुत मजबूती से काम चल रहा है जाके ऊपर। हाँ हाँ जी नहीं सब भलो हुई है तुम चिंता नहीं करो अपना देश बहुत सुरक्षित हाथन में है सब अच्छो हुई है अपने देश में। तो सही से तो हम कह हमने की जिज्जी से बात कर ले जी हल्को हो जाए। तुम कछु देखो करे समाचार वगैरह है तुम ऐसे ही रह जाओ नहीं तो उल्लू सी कछु देख घर गृहस्थी में फंसी रहती।